नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित हैं कि नागपंचमी का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, सन 2020 में यह पर्व 25 जुलाई दिन शनिवार को है। दोस्तों, नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने का विधान है और हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म में नागों को देवता का रूप मानकर हम उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, जिसमें मैं आपको नागों के उत्पत्ति और उनकी क्या कथा है उसके बारे में मैं वर्णन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको शेषनाग के बारे में बताने वाला हूँ कि शेषनाग का कथा क्या है। दोस्तों, शेषनाग का एक नाम अनंत भी है। शेषनाग का जो एक नाम और है उनका नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता कंद्रु व भाइयों ने मिलकर बिनता ऋषि कश्यप की एक और पत्नी के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। दोस्तों, ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण व श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के ही अवतार थे। तो दोस्तों, यह नागपंचमी के अवसर पर शेषनाग की कथा थी। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगे। अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।